गुड मॉर्निंग क्लास फाइव, वेलकम इन योर इंग्लिश क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पेज नंबर 37 फ्रॉम चैप्टर 5, अ बेटर फॉर यू। योर टॉपिक नेम इज अ बेटर फॉर यू। I have already explained page number 35 and 36 on both pages. Page number 35 explain batata hai what is a yoga and what is the benefit of yoga, what is the right posture of yoga, and you should always remember that you should learn and practice correct posture in yoga teacher specific your especially teacher for yoga and in your school PT teacher yoga teacher means वह व्यक्ति जो आपके योगा जानते हों वही आपको योगा करा सकते हैं। अदरवाइज चैनल वगैरह भी बहुत सारे साइट्स हो गए हैं जिसपे योगा जो है सिखाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक अ परमिशन टू योर पेरेंट एंड देन स्टार्ट योर योगा। नाउ on this page number 37, what is the benefit of yoga? So let's start. Benefits of doing yoga. Yoga करने से क्या क्या benefits हैं उसे हम देखते हैं। Regular practice of yoga help boost your confidence and willpower too. कह रहे कि रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर मीन्स निरंतर प्रयास से यदि आप रेगुलर योगा करते हैं। एक्सरसाइज देखो एक अलग मैटर है, एक्सरसाइज अलग चीज़ होती है और योगा अलग चीज़ होती है। तो यदि आप योगा रेगुलर करते हैं तो ये आपको क्या करता है, योगा हेल्प बूस्ट यू, तुम्हारा जो होता है कॉन्फिडेंस, जो तुम्हारा विश्वास है उसको बूस्ट मीन्स ऊपर की तरफ करता है, मीन्स आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। एंड विल पावर, विल पावर मीन्स इच्छा शक्ति ऑल्सो बूस्ट अप, वो जो विल पावर है वो भी जो है बूस्ट होती है और आपका जो कॉन्फिडेंस होता है उसका भी लेवल क्या होता है ऊपर की तरफ जाता है इफ़ यू डू योगा। इट इंक्रीज वंस एनर्जी लेवल, ये क्या करता है, इट इंक्रीज, इंक्रीज मीन्स बढ़ाना, वंस एनर्जी लेवल या किसी की एनर्जी लेवल, कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है उसको भी क्या करता है इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो इट इज़ अ ग्रेट बेनिफिट फॉर योगा। योगा ऑल्सो कीप योर माइंड काम, CALM काम, काम मीन्स होता है शांत। योगा जो है वो आपके माइंड को क्या रखता है, शांत रखता है। दिस इज डन थ्रू मेडिटेशन, दिस इज डन थ्रू मेडिटेशन मीन्स होता है ध्यान लगाना, ध्यान करना। मेडिटेशन मीन्स होता है ध्यान मुद्रा होती है जिसमें अगर कुछ प्रोसेस होते हैं उसको करने से आपका जो माइंड होता है वो बहुत ही शांत होता है। तो कह रहे हैं योगा ऑल्सो कीप योर माइंड काम, योगा जो है वो आपके माइंड को क्या करती है वो शांत रखती है, काम। दिस इज डन थ्रू मेडिटेशन, और ये काम आप कैसे मेडिटेशन के द्वारा कर सकते हैं। विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योगा, यह एक योगा का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। मेडिटेशन नॉट ओनली रिलैक्स द माइंड, मेडिटेशन केवल माइंड को रिलैक्स मीन्स आराम ही नहीं देती है, बट ऑल्सो हेल्प्स वन कंसंट्रेट बेटर ऑन स्टडीज़, स्टडीज़ मीन्स अध्ययन। यहाँ तक कि जो मेडिटेशन है वो सिर्फ आपके माइंड को ही शांत नहीं करती है, इवन ये जो है आपके जो ध्यान लगाने की ये जो माइंड जो दिमाग है उसको क्या करना है, उसको एकाग्रचित करने के लिए, कॉन्सेंट्रेट इकट्ठा करने के लिए किस पर, ऑन योर स्टडी, इसमें भी योगा आपके हेल्प करती है, मेडिटेशन आपकी हेल्प करती है। यू शुड चूज अ कम्फर्टेबल एंड peaceful place to do meditation. First of all, you will choose comfortable place. आप comfortable place को choose करेंगे. Peaceful means शांतिपूर्वक area, ऐसे area जहाँ पर बहुत शांति हो, ऐसी जगहों को choose करेंगे. Sit in a relaxed position. उसके बाद आप sit in a relaxed position, एकदम से you can see, sit in a relaxed position, आप एकदम comfortable position में बैठेंगे. With एन अपराइट बैक, विथ एन अपराइट बैक मीन्स आपका जो अपराइट है, जो पीछे का जो है, एकदम से स्ट्रेट पोजिशन में बैठेंगे, बिल्कुल भी बैंड होकर के आप नहीं बैठेंगे.
क्लोज योर आइज, आँखों को क्लोज करेंगे एंड फोकस योर माइंड ऑन अ पर्टिकुलर थिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स. फोकस योर माइंड, अपनी आँखों को बंद करके अपने माइंड को क्या करेंगे, फोकस करेंगे. और जो पर्टिकुलर थिंग्स होती है, जो मतलब जब आप मेडिटेशन करेंगे तो उसमें बताया जाता है कि किन चीज़ों पे आपको ध्यान लगाना है, तो उन पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं उस पे आप किस तरीके से ध्यान लगाएंगे कुछ मिनट के लिए, वो सारी चीज़ें आप मेडिटेशन में सीख लेंगे. तो इसको करने के लिए क्या होता है, पहले आप अपनी आईज़ को क्लोज़ करेंगे, फोकस करेंगे अपने माइंड को. अपने माइंड को फोकस करके जिस पे आपको क्या करना है, ध्यान लगाना है, उस चीज़ के बारे में कुछ देर वहाँ सोचेंगे. योगा एक्सरसाइजेज शुड प्रिफरेबली बाय डन इन एन ओपन एंड योगा एक्सरसाइजेज शुड प्रिफर बी डन इन एन ओपन एंड क्लीन एनवायरनमेंट. कह रहे हैं कि योगा जो एक्सरसाइजेज हैं, योगा करने का जो तरीका है वो क्या है, हमको ऐसा जो है एरिया चूज़ करना चाहिए, प्रिफर मीन्स महत्व देना है ऐसे एरिया को जो आपका ओपन हो, खुला हो एंड क्लीन एनवायरनमेंट. और एनवायरनमेंट मीन्स जो वातावरण है वो क्लीन हो. गार्डन्स और ओपन स्पेस, जैसे कि गार्डन है या कोई खुला मैदान. वेयर यू आर क्लोज टू द नेचर, जहाँ पे आप नेचर के एकदम क्लोज हैं, पास हैं, आर द बेस्ट प्लेसेस टू प्रैक्टिस योगा. ये जो जगह हैं ओपन एरिया या फिर गार्डन, ये जो है योगा करने के लिए बेस्ट प्लेसेस हैं. व्हेन यू आर सराउंडेड बाय ग्रीन ट्रीज एंड प्लांट्स, जब आप ग्रीन प्लांट्स मीन्स हरे भरे पेड़ पौधे, तरह तरह के प्लांट्स या फ्लावर्स, इनके चारों तरफ यदि आप रहते हैं, उनके बीच बैठ करके योगा करते हैं, यू फील मतलब यू टेक ब्रीथ इन फ्रेश एयर, आप ताज़ी हवा में सांस लेते हैं एंड यू फील रिलैक्स्ड एंड रिलेटेड. तो आप अपने आप को रिलैक्स और खुशी अंदर से महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आपके अंदर एक बहुत अच्छा एनर्जी उत्साह आ गया. योगा इज़ अ वेरी हेल्पफुल इफ इट इज़ अ प्रैक्टिस रेगुलरली. बच्चों ये ध्यान देना है कि योगा जो है तभी जो है आपको बेनिफिट देगा यदि आप इसे रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करते हैं. यू विल हैव टू डिसिप्लिन योर सेल्फ. सबसे पहले इसको करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन करें कि आपको रेगुलर बेस पे योगा करना है. इफ़ यू वॉन्ट टू डू योगा, यदि तुम योगा करते हो एंड इन्जॉय ऑल इट्स बेनिफिट, तब आप इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं उनका आप क्या करेंगे, आनंद ले सकते हैं. मीन्स ऐसा नहीं कि एक दिन किया उसके बाद छोड़ दिया, फिर तीन दिन बाद किया. मीन्स आपको रेगुलर बेस पे टाइम आपको फिक्स करना होगा और उसके बाद आपको योगा करना होगा. लेकिन योगा करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप किसी योगा टीचर या फिर जो ट्रेनर है उनसे पहले आप क्या करें, आप उनसे जो है गाइडलाइंस ले, उनके अंडर में आप सीखें, तब उसके बाद योगा करें. ठीक है, तो आज हमने जो है ये जो चैप्टर 5th है उसे पूरा एक्सप्लेन कर लिया. आई होप यू हैव टू टेक इन्जॉय एंड होमवर्क फॉर यू, यू विल डू कॉम्प्रिहेंशन, टेक द करेक्ट ऑप्शन योर सेल्फ, आप अपने आप इसे करेंगे. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे.